जानिए कृष्ण ने क्यों किया था एकलव्य का वध। महाभारत में गुरुवार द्रोणाचार्य अपने शिष्य अर्जुन से विशेष स्नेह करते थे और वे अर्जुन को धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते थे। उस समय एकलव्य भी द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहता था। एकलव्य हिरण्य धनु नामक निषाद का पुत्र था, इस कारण गुरुवार द्रोण ने उसे ज्ञान देने से मना कर दिया। तब एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरुवार मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। लगातार अभ्यास करने से वे धनुर्विद्या में पारंगत हो गया। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य और भागवत कथाकार पवन मनीष शर्मा के अनुसार जानिए एकलव्य से जुड़ी खास बातें। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने के लिए मांग लिया एकलव्य का अंगूठा। एक, जिस वन में एकलव्य अभ्यास करता था उसी वन में एक दिन पांडव और कौरव राजकुमार गुरुवार द्रोण के साथ शिकार के लिए पहुँचे। राजकुमारों का कुत्ता एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा और भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य के अभ्यास में बाधा पड़ रही थी, इस कारण उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इतनी कुशलता से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी थी। जब यह कुत्ता पुनः गुरुवार द्रोण के पास पहुँचा तो धनुर्विद्या का यह कौशल देख कर दंग रह गए। तब बाण चलाने वाले की खोज करते हुए वे एकलव्य के पास पहुँच गए। जब गुरुवार द्रोण को यह आभास हुआ कि एकलव्य उनके प्रिय शिष्य अर्जुन से श्रेष्ठ बन सकता है तो उन्होंने गुरुवार दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया था और एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरुवार को दे दिया था। क्या हुआ इस घटना के बाद, कैसा रहा एकलव्य का जीवन? दो, एकलव्य के पिता श्रृंगवीर राज्य के राजा थे। उनकी मृत्यु के बाद एकलव्य इस राज्य का राजा बना। एकलव्य ने निषाद भीलों की एक सशक्त सेना बनाई और अपने राज्य का विस्तार किया। प्रचलित कथाओं के अनुसार एकलव्य श्री कृष्ण को शत्रु मानने वाले जरासंध के साथ मिल गया था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण भी किया। एकलव्य ने यादव सेना के अधिकतर योद्धाओं को मार दिया था। जब ये सूचना श्री कृष्ण के पास पहुंचती है तो वे युद्ध करने आ जाते हैं। श्री कृष्ण जानते थे अगर एकलव्य को नहीं मारा तो महाभारत युद्ध में वे कौरवों की ओर से लड़ेगा और पांडवों की परेशानियां बढ़ा सकता है। श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच युद्ध होता है जिसमें एकलव्य मारा जाता है। एकलव्य के वध के बाद उसका पुत्र केतुमान राजा बनता है। महाभारत युद्ध में केतुमान कौरवों की सेना की ओर से पांडवों से लड़ता है और भीम के हाथों से मारा जाता है। आधुनिक तीरंदाजी की शुरुआत। तीन, एकलव्य अंगूठा बलिदान करने के बाद भी नहीं रुका और बिना अंगूठे के ही धनुर्विद्या में दक्षता प्राप्त कर लेता है। आज के युग में आयोजित होने वाली सभी तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में अंगूठे का प्रयोग नहीं होता है, इसमें अंगूठे के पास वाली तीन उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहा जा सकता है।